समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेश्रमी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। लेकिन बेश्रमी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दरिद्रों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक किसान बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है, और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, और इसीलिए अंतिम समय में घुट घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति विस्फोटन कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर।